प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि वो ई माध्यम से इस परियोजना का शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, ४४० मेगावाट कुवार जल विद्युत परियोजना, इसकी अनुमानित लागत है ४,526 करोड़ रुपए। इन दोनों परियोजनाओं का निर्माण जिला किश्तवाड़ में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस परियोजना का शिलान्यास करें। करता हूं कि वे ई माध्यम से इसकी आधारशिला रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, काजीगुंड बनिहाल टनल की लंबाई 8.45 किलोमीटर है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे ई माध्यम से बनिहाल काजीगुंड सुरंग मार्ग का लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच गांव पल्ली सांबा में इस वक्त यहां हम मौजूद हैं। 500 किलोवाट सौर पावर प्लांट को लोकार्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, गरीबों को सस्ती दवाई मिले, दवाई औषधीय केंद्रों को लोकार्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, विशाल जम्मू कश्मीर की खातिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुच्छेद 370 और 35A की बेड़ियों से यहां के लोगों को आजाद करवाते उनके लिए एक नई सुबह का आगाज किया। आज जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर अग्रसर है। कई विदेशी कंपनियों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है, यहां भारी निवेश किया है। प्रस्तुत है ये लघु फिल्म।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत लोगों को जमीनों का मालिकाना हक मिलेगा, स्वामित्व कार्ड दिए जाएंगे, जिसकी भूमि होगी उसका ही उस पर हक होगा। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीनों से मुतल्लिक सभी समस्याओं की जानकारी का उल्लेख होगा और साथ ही आप मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे स्वामित्व कार्ड सांकेतिक वितरण करें। राजकुमारी जी मंच पर आए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपना स्वामित्व कार्ड लें। अब मेरी गुजारिश है शौकत अली वानी जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। प्राकृतता पूर्वक निपटे, संकल्प है कि 15 अगस्त सन 2023 तक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे उनके अकाउंट में ई माध्यम से ईमान राशि ट्रांसफर करें माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल जी, हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा को प्राप्त करने यहाँ उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधि, देश और विदेश से आए हुए इन्वेस्टर्स, सम्मानित अतिथिगण, प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिकता को समेटे देश के सर्वप्रथम कार्बन न्यूट्रल तथा डिजिटल लैंड गवर्नेंस आइकॉनिक विलेज पल्ली में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माता वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, शंकराचार्य और सूफी संतों के आशीर्वाद से पुष्पित पल्लवित जम्मू कश्मीर 70 वर्षों से एक विधान एक निशान का स्वप्न देख रहा था, जिसे युग प्रवर्तक भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और 1,30,00,000 नागरिकों को प्रगति का वास्तविक भागीदार बनाया। 7 दशकों का फासला, 30-32 महीनों में कम करने का जो काम हुआ है, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन ही रहा है। जम्मू कश्मीर आज एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है और उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्र के मुकुटमणि को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तपस्या एवं प्रतिबद्धता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू कर प्रधानमंत्री जी ने समावेशी विकास की जमीन तैयार करने में हम सब की मदद की है। सभी पंचायतों को 29 विभाग की कार्य तथा शहरी निकायों के 7 विभागों के कार्य हमने स्थानांतरित कर दिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश था। जनभागीदारी ही हमारी ताकत है।
2020-21 में डिस्ट्रिक्ट कपेक्स जो 5,136 करोड़ रुपए था, पिछले वर्ष पढ़ करके 12,600 करोड़ रुपए हो गया। सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से बातचीत के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट कपेक्स बनाया था और मुझे बताते हुए खुशी है कि कल 23 अप्रैल को जो डिस्ट्रिक्ट कपेक्स डीडीसी चेयरमैन की उपस्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सलाह करके जो बना है वो 22,126 करोड़ रुपए हुआ है और ये इसका श्रेय भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मित्रों, आप सबको पता है उद्योग धंधों से दशकों तक वंचित जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्वर्णिम युग भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आया, जब उन्होंने नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर को दी जिसमें 28,200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार ने देने का वायदा किया। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आजादी से लेकर और आज के एक वर्ष पहले तक कुल 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां आया था और आज 52,155 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास हैं, जिसमें आज 38,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सम्मुख करने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 6 महीनों में यह आंकड़ा 70,000 करोड़ के पार जाएगा और जम्मू कश्मीर के 7-8 लाख युवाओं को रोजगार देने में हम समर्थ होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव जोर रहता है। 235 सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया है तथा 180 सर्विसेज सिंगल विंडो सिस्टम पर आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में विकास को नई गति मिली है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2018-19 में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए गए थे। अगले साल 2021 में उससे 4,000 करोड़ हमने कम खर्च किया। 63,000 करोड़ में हमने 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए और मित्रों, आप सबके सहयोग से इस वर्ष 51,800 प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और मैं कहना चाहता हूं कि 64,000 करोड़ जो 67,000 से कम 20-25% रुपया हमारा कम खर्च हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश था जिसके कारण एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हमने कायम करने में सफलता पाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में न सिर्फ काम करने की स्पीड 5 गुना बढ़ी है बल्कि सिस्टम को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में भी हम सफल हुए हैं। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने मोबाइल फोन पर इलाके में हो रहे प्रोजेक्ट की निगरानी कर सकता है और उस प्रोजेक्ट पर खर्च होने वाले एक एक पाई का हिसाब रख सकता है। आज आपके कारण 1,00,000 करोड़ रुपए के रोड और टनल के काम जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, जहां 1500 किलोमीटर की सड़क हर साल बनती थी, अब 3000 किलोमीटर सड़क हमने बनाई है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि मैग्नेटाइजेशन जो 2000 किलोमीटर होता था अब बढ़ करके 7000 किलोमीटर के ऊपर चला गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 12वें स्थान पर रहने वाला जम्मू कश्मीर आज भारत में 3रे स्थान पर खड़ा है। आने वाले वर्ष में रेलवे कनेक्टिविटी भी कश्मीर से कन्याकुमारी की हो जाएगी। कोई नए टर्मिनल जम्मू और श्रीनगर एयरपोर्ट के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण प्राप्त हुए हैं और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर 106 फ्लाइट एक दिन ऑपरेट हुई हैं और वैसे ही जम्मू में 1346 फ्लाइट पिछले महीने ऑपरेट की हैं। मैं समझता हूँ ये जो गति आई है उसमें प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। 3500 मेगावाट हमारी कुल बिजली उत्पादन की क्षमता थी 70 सालों में। प्रधानमंत्री जी के कारण मात्र 4 वर्षों में इतनी बिजली हम और बनाने जा रहे हैं। 70 सालों में 8394 MVA हमारी कैपेसिटी थी ट्रांसमिशन की, 5-2 वर्षों में 4000 MVA हमने जोड़ लिया है। और हम कहना चाहते हैं मित्रों कि बिजली के क्षेत्र में भी अब जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। 15 से 18 आयु वर्ग के कोविड वैक्सीनेशन में आज जम्मू कश्मीर पूरे देश में 2रे स्थान पर है। अगस्त 2020 में जहां हमारी कुल ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 LPM थी, आज 1,00,000 LPM से ज़्यादा हो गई। प्रधानमंत्री जी के कारण 2-2 एम्स, 2-2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज और अनेक सुविधाएं स्वास्थ्य की दृष्टि से जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुई हैं। और इसके कारण मैं कहना चाहता हूँ मित्रों के 8 पैरामीटर जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं
हम नेशनल एवरेज से आगे निकल गए हैं तो इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को जाता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहां हर व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत सेहत की सौगात मिली है। एक साल के भीतर 12,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने में हम सफल रहे हैं। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के तहत, वो पहले का जमाना चला गया जब सिफारिश के आधार पर लोगों को नौकरी मिलती थी, और आज 12,000 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं और मोटे तौर पर 9,278 पदों की प्रक्रिया भी हमने पूरी कर ली है, वो नियुक्ति पत्र भी हम शीघ्र देने वाले हैं। मुझे याद है इसी सांबा की एक बेटी नेहा शर्मा मेरे पास आई थी, उसने कहा कि मेरे पिता तो ठेला लगाते हैं, मैंने जीवन में सोचा ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भी हमें नौकरी मिल सकती है। ये व्यवस्था मैं समझता हूं कि सामान्य आदमी के लिए, सामान्य नौजवान के लिए तैयार की गई है। मिशन यूथ के अंतर्गत 1,40,000 युवा बच्चों और बच्चियों को एक साल के भीतर उद्यमी बनाने में हमने सफलता पाई है। 4,290 पंचायतों में हमने यूथ क्लब बनाए हैं, सभी पंचायतों में स्पोर्ट्स फील्ड बनाने में हमें सफलता मिली है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत 56,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके 5 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न बनाने में हमें सफलता मिली है। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में कृषि और एलाइड क्षेत्र में जो रिफॉर्म हुए हैं उसके कारण आज यहाँ के किसान की आमदनी 18,918 रुपए मासिक हो गई है। देश के शीर्ष 5 राज्यों में हम शामिल हो गए हैं। सैफरन हो, गुच्ची हो, दोनों की जीआई टैगिंग, आरएसपुरा बासमती को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करने के कारण किसान भाइयों को भारी लाभ हुआ है। जम्मू कश्मीर जो कभी मिल्क डेफिसिट स्टेट हुआ करता था, अब मिल्क सरप्लस स्टेट हो गया है। 500 करोड़ रुपए का कालीन का कभी निर्यात यहाँ होता था, लेकिन वो व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक नई पहल हमने शुरू की है और जीआई टैगिंग के साथ क्यूआर कोड और 300 करोड़ के ऑर्डर भी आज मिले हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नागरिक सेवाओं को फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए 180 सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई। दरबार मूव की सैकड़ों साल की पुरानी व्यवस्था को समाप्त करते हुए जम्मू तथा श्रीनगर दोनों सेक्रेटेरिएट में ई ऑफिस पूर्णतया प्रारंभ हो गया है। आज ई ऑफिस डिस्पोजल में जम्मू कश्मीर यूटीज की लिस्ट में प्रथम स्थान पर है। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूटी है जिसने रियल टाइम सिटीजन फीडबैक सिस्टम शुरू किया है। नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट की रिपोर्ट में ई सर्विसेस की बेहतर डिलीवरी के लिए यूटीज की श्रेणी में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर आया है। टीम्स इंपावरमेंट डिजिटल सॉल्यूशन के माध्यम से सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश था उसको हमने कोशिश की है जमीन पर उतारने की। हर जिले, हर ब्लॉक, हर पंचायत में कितने प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, वो आम नागरिक आज देख सकता है। आपकी जमीन आपकी निगरानी। मुझे याद है हरिशंकर पारासाई एक हिंदी के व्यंगकार थे, उन्होंने एक बार लिखा कि अगर महाभारत के जमाने में लैंड रिकॉर्ड ठीक रहे होते तो शायद महाभारत न होता, भगवान कृष्ण को सफलता मिल गई होती। 66% मुकदमे लैंड रिकॉर्ड के कारण होते हैं आज देश में, उसमें भी आज मैं कह सकता हूं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू 3 भाषाओं में लोगों को जमीन के पास मुख दिए जा रहे हैं और ये काम पूरी तरह से माने वाले 6 महीने में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था, उसके तहत ये मुलाकात से लोगों की समस्याओं का समाधान हम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस शुरू करने वाले हम पहले राज्य बन गए हैं और हमारा एक जिला है बांदीपुरा जिसने पंचायत परफॉर्मेंस का इंडेक्स शुरू किया है, पूरे यूपी में हम उसे लागू करने जा रहे हैं। सभी सेक्टर्स में जो रिफॉर्म हुए हैं उसका परिणाम है सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर एस्पिरेंटशिप परफॉर्मर की कैटेगरी में शामिल हो गया। पिछले 6 महीनों में 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आया था। मैं समझता हूँ ये 15 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले तीन महीनों में 4 लाख यात्री हवाई जहाज से जम्मू और श्रीनगर आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आतंकवाद के इकोसिस्टम को नेस्तनाबूत करने के लिए आपके नेतृत्व में हमारा पूरा सुरक्षा बल मुस्तैदी से लगा है। और मैंने कई बार कहा है
ये पहली सरकार है जो शांति खरीदना नहीं चाहती, शांति स्थापित करना चाहती है। इस अवसर पर जन सुरक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित पुलिस, आर्मी तथा सुरक्षा बल के जवानों का भी मैं अभिनंदन करता हूं। आजादी का अमृत महोत्सव समूचे जम्मू कश्मीर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर सुचितगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी शुरू की गई। मित्रों, प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने सालों से सपना देखना बंद कर दिया। अगस्त 2019 में यहाँ के नागरिकों ने अब से सपना देखना शुरू किया है और रिफॉर्म के कारण आज अनेक क्षेत्रों में हम नया कीर्तिमान बना रहे हैं। नीति और नियत के भेद को खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के इस स्वर्ण जम्मू कश्मीर के स्वर्णिम भविष्य में आप ही निर्माता हैं। आज वीरों की वसुंधरा सांबा में आपका संदेश यहाँ के एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक नागरिक को प्रेरणा देगा और देश को भी प्रेरणा देगा। मैं जम्मू कश्मीर के इस नए युग निर्माण के लिए आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके हृदय सम्राट, परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू की पावन धरती पर अभिनंदन है, स्वागत है। उनके साथ बैठे हुए भारत सरकार में पंचायती राज मंत्री और इस जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, माननीय गिरिराज सिंह जी, मंत्री परिषद साथी कपिल जी, सांसद साथी जुगल किशोर जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण पंचायत प्रतिनिधि गण, किसान भाइयों बहनों, पिछले आज से लगभग 8 साल पहले 26 मई 2014 को, जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने देश का कार्यभार संभाला, उस दिन से लेकर के आज तक जम्मू कश्मीर को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हुई है। और हमें भलीभांति याद है, प्रधानमंत्री बनने के बाद आपका जो सबसे पहला बड़ा कार्यक्रम था वो था कटरा वैष्णो देवी रेल स्टेशन का लोकार्पण, और फिर वही देश का पहला रेल स्टेशन बना जो पूरी तरह सोलर एनर्जी पर चलने लगा। सरकार बनने के 3 ही महीने भीतर सितंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में भयंकर बाढ़ आई, सारा का सारा श्रीनगर शहर पानी में डूब गया। प्रधानमंत्री के रूप में आपने हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई, आपने बार बार दौरा किया और चिंता के साथ साथ संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अक्टूबर 2014 में ये निर्णय लिया कि आप प्रधानमंत्री के रूप में पहली दिवाली कहीं और ना मना करके कश्मीर घाटी के बाढ़ग्रस्तों के बीच में मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में अक्सर सेल्फ रूल का नारा लगाया जाता था, लेकिन यदि सेल्फ रूल का अर्थ है कि ऐसा लोकतंत्र जिसका जन्म धरती से हुआ हो, तो उसका परिचय भी आपने करवाया। पंचायतों के सफलतम चुनाव हुए और 70 वर्ष के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ है। पंचायतों के सशक्तिकरण का एक क्रम लगातार जारी है और इसी के महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज हम खड़े हैं। जब आपने ये निर्णय लिया कि आप देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, परंतु उसका केंद्र रहेगा जम्मू की एक पंचायत, गत 8 वर्षों में, और इस आपके आने की खबर से इतना उत्साह जागा है कि मात्र 18 दिन के भीतर साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग ने 500 किलोवाट का एक सोलर प्लांट यहां स्थापित करके 348 ग्रामीण घरों को सोलर एनर्जी उपलब्ध करवाई है, जिसका भी आप बटन दबा करके विमोचन करेंगे। गत 8 वर्षों में आपने न केवल अनेकों राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट दिए हैं, बल्कि महत्वपूर्ण ये कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो रुक गए थे उनको भी पुनः प्रारंभ किया गया। उनमें से रेटले का प्रोजेक्ट आज है जिसको आप लॉन्च करने जा रहे हैं, और पिछली बार जब आप पधारे थे 40 वर्ष से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, और सदियों से इंतजार कर रही देविका नदी के सुंदरीकरण का। प्रधानमंत्री जी,
अंत में केवल ये कहना है, हमें इस बात का एहसास है कि हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष से गुजर रहे हैं। अमृत महोत्सव और 25 वर्ष के बाद जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा और भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा, तो उस भारत का स्वरूप कैसा होगा, उस हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी, उस कल्पना चित्र को निर्माणित करने हेतु परमात्मा हमें सामर्थ्य दे, समझ दे, शक्ति दे। इसी प्रार्थना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गिरिराज सिंह जी, इसी धरती के संतान मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, संसद में मेरे साथी श्री जुगल किशोर जी, जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश से जुड़े पंचायती राज के सभी जनप्रतिनिधिगण, भाई और बहनों, सुरभी रैली इस डुगर धरती जम्मू च तुसे सारे बहन भाई जी मेरा नमस्कार। देश भर से जुड़े साथियों को राष्ट्रीय पंचायत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने के लिए यह बहुत बड़ा दिन है। यहां मैं जो जनसागर देख रहा हूं, जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। शायद कितने दशकों के बाद जम्मू कश्मीर की धरती हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा भव्य दृश्य देख पा रहे हैं। प्यार के लिए, आपके उत्साह और उमंग के लिए, विकास और प्रगति के आपके संकल्प के लिए मैं विशेष रूप से आज जम्मू और कश्मीर के भाइयों बहनों का आदरपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, नए भूभाग मेरे लिए नया है, न मैं आपके लिए नया हूं, और मैं यहां की बारीकियों से अनेक वर्षों से परिचित भी रहा हूं, जुड़ा हुआ रहा हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए, यह आंकड़ा जम्मू कश्मीर जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा। 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर के विकास को नई रफ्तार देने के लिए राज्य में तेजी से काम चल रहा है।
इन प्रयासों से बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। आज 100 जन औषधि केंद्र जम्मू कश्मीर के गरीब और मिडिल क्लास को सस्ती दवाएं, सस्ता सर्जिकल सामान देने का माध्यम बनेंगे। 2020 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो संकल्प देश ने उठाया है, उसी दिशा में भी जम्मू कश्मीर ने आज एक बड़ी पहल की है। ग्लासगो में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठे हुए थे कार्बन न्यूट्रल को लेकर के, बहुत सारे भाषण हुए, बहुत सारे बयान हुए, बहुत सारी घोषणाएं हुई, लेकिन ये हिंदुस्तान है जो ग्लासगो के संकल्प को आज जम्मू कश्मीर की एक छोटी पंचायत पल्ली पंचायत के अंदर देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज मुझे पल्ली गांव में देश के गांवों के जनप्रतिनिधियों के साथ जुड़ने का भी अवसर मिला है। इस बड़ी उपलब्धि और विकास के कामों के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई। यहां मंच पर आने से पहले मैं यहां के पंचायत के सदस्यों के साथ बैठा था। उनके सपने, उनके संकल्प और उनके नेक इरादे मैं महसूस कर रहा था और मुझे खुशी तब हुई कि मैं दिल्ली के लाल किले पर थे। सबका प्रयास ये बोलता हूं, लेकिन आज जम्मू कश्मीर की धरती ने, पल्ली के नागरिकों ने सबका प्रयास क्या होता है ये मुझे करके दिखाया है। यहां के पंच सरपंच मुझे बता रहे थे कि जब यहां मैं एक कार्यक्रम का आयोजन तय हुआ तो सरकार के लोग आते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे इसे बनाने वाले। अब यहां तो कोई ढाबा नहीं है, यहां तो कोई लंगर नहीं चलता है, ये लोग आ रहे हैं तो उनको खाने का क्या करें। तो मुझे यहां के पंच सरपंच ने बताया कि हर घर से, कोई घर से 20 रोटी, कहीं 30 रोटी इकट्ठी करते थे और पिछले 10 दिन से यहां जो भी लोग आए हैं सबको गांव वालों ने खाना खिलाया है। सबका प्रयास क्या होता है ये आप लोगों ने दिखा दिया है। मैं हृदय से यहां के सभी मेरे गांववासियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाई और बहनों, इस बार पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर में मनाया जाना एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। यह बहुत ही गर्व की बात है
कि जब लोकतंत्र जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट तक पहुंचा है, तब यहां से मैं देश भर की पंचायतों से संवाद कर रहा हूं। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, बहुत ढोल पीटे गए, बड़ा गौरव भी किया गया और वो गलत भी नहीं था, लेकिन एक बात हम भूल गए। भाषण तो कह करते थे हम कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन देशवासियों को पता होना चाहिए कि ये इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी मेरे जम्मू कश्मीर के लोग उससे वंचित थे। यहां नहीं था, दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया और पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू हो गई। अकेले जम्मू कश्मीर के गांवों में 30,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं और वो आज यहां का कारोबार चला रहे हैं। यही तो लोकतंत्र की ताकत होती है। पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डीडीसी के चुनाव यहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए और गांव के लोग गांव का भविष्य तय कर रहे हैं। साथियों, बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बीते 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास के नए आयाम बने हैं। केंद्र के लगभग 125 कानून जो जम्मू के नागरिकों को अधिकार देते थे, वो लागू नहीं किए जाते थे। हमने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को एम्पावर करने के लिए उन कानूनों को लागू कर दिया और आपको ताकतवर बनाने का काम कर दिया। जिनका सबसे अधिक लाभ यहां की बहनों को हुआ, यहां की बेटियों को हुआ, यहां के गरीब को, यहां के दलित को, यहां के पीड़ित को, यहां के वंचित को हुआ है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। दशकों दशक से जो बेड़ियां वाल्मीकि समाज के पांव में डाल दी गई थी, उनसे अब वो मुक्त हो चुका है। आजादी के 7 दशक के बाद उसको आजादी मिली है। आज हर समाज के बेटे बेटियां अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बरसों तक जिन साथियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, अब उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आज बाबा साहब की आत्मा जहां भी होगी, हम सबको आशीर्वाद देती होगी कि हिंदुस्तान का एक कोना इससे वंचित था, मोदी सरकार ने आकर के बाबा साहब को सपनों को भी पूरा किया है। भाई, केंद्र सरकार की योजनाएं अब यहां तेजी से लागू हो रही है, जिसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के गांवों को हो रहा है। एलपीजी गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पानी कनेक्शन हो, स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट हो, इसका बड़ा लाभ
जम्मू कश्मीर को मिला है। साथियों, आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में नया जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिखेगा। थोड़ी देर पहले यूएई से आए, अबुधाबी से आए, दुबई से आए एक डेलीगेशन से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला। वो जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत उत्साहित है। आप कल्पना कर सकते हैं, आजादी के 7 दशकों के दरमियान जम्मू कश्मीर में मात्र 17,000 करोड़ रुपए का ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो पाया था। 7 दशक में 17,000, और पिछले 2 साल के भीतर भीतर ये आंकड़ा 38,000 करोड़ रुपए पहुंचा है। दोस्तों, 38,000 करोड़ रुपए यहां इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है। साथियों, आज केंद्र से भेजी पाइप पाइपी यहां ईमानदारी से लग रही है और इन्वेस्टर भी खुले मन से पैसा लगाने आ रहे हैं। अभी मुझे हमारे मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि 3 साल पहले यहां के जिलों के हाथ में पूरे राज्य में 5,000 करोड़ रुपया ही उनके नसीब होता था और उसमें लेह लद्दाख सब आ जाता था। उन्होंने कहा, छोटा सा राज्य है, आबादी कम है, लेकिन पिछले 2 साल में जो गति आई है, इस बार बजट में जिलों के पास 22,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे पंचायतों के पास विकास के लिए दिए जा रहे हैं। इतने छोटे राज्य में ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेटिक सिस्टम के द्वारा विकास के काम के लिए कहां 5,000 करोड़ और कहां 22,000 करोड़ रुपए ये काम हुआ है। भाइयों, आज मुझे खुशी है, रतले पावर प्रोजेक्ट और क्वार पावर प्रोजेक्ट जब बनकर तैयार होंगे तो जम्मू कश्मीर को पर्याप्त बिजली तो मिलेगी ही, जम्मू कश्मीर के लिए बिजली एक कमाई का बहुत बड़ा नया क्षेत्र खुलने वाला है जो जम्मू कश्मीर को नई आर्थिक ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। अब देखिए, कभी दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी, जरा मेरी बात समझना, दिल्ली से एक सरकारी फाइल चलती थी तो जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 2-3 हफ्ते लग जाते थे। मुझे खुशी है कि आज 500 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर यहां लागू हो जाता है, बिजली पैदा करना शुरू करता है। पल्ली गांव के सभी घरों में अब सोलर बिजली पहुंच रही है। ये ग्राम ऊर्जा स्वराज का भी बहुत बड़ा उदाहरण बना है। काम के तौर तरीकों में यही बदलाव जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, साथियों मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए, घाटी के नौजवान
आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। बीते 8 सालों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार ने दिन रात काम किया। जब मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करता हूं तो हमारा फोकस कनेक्टिविटी पर भी होता है, दूरियां मिटाने पर भी होता है। दूरियां चाहे दिलों की हो, भाषा व्यवहार की हो या फिर संसाधनों की, इनको दूर करना आज हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। जैसे हमारे डोगरों के बारे में लोक संगीत में कहते हैं, मिठड़ी मिठड़ी ये डांगरे में बोली, मिठड़ी ये डांगरे की बोली, ते खंड मिठे लोग डोके। ऐसी ही मिठास, ऐसी ही संवेदनशील सोच देश से के लिए एकता की ताकत बनता है और दूरियां भी कम होती है। भाई और बहनों, हमारी सरकार के प्रयास से अब बनिहाल कांजीगुड टनल से जम्मू और श्रीनगर की दूरी 2 घंटे कम हो गई। उधमपुर श्रीनगर बारामूला को लिंक करने वाला आकर्षक आर्क ब्रिज भी जल्द देश को मिलने वाला है। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे भी दिल्ली से मां वैष्णो देवी के दरबार की दूरी को बहुत कम करने वाला है। और वो दिन बुरा नहीं होगा जब कन्याकुमारी की देवी वैष्णो देवी से एक सड़क से मिलने वाले हैं। दोस्त, जम्मू कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, हर तरफ से एक कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्से 12 महीने देश से कनेक्टेड हो। सरहदी गांवों के विकास के लिए भी हमारी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है। हिंदुस्तान भर के सरहदों के आखिरी गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना इस बार बजट में मंजूर की गई है। उसका लाभ हिंदुस्तान के सभी आखिरी गांवों को जो सीमा पर सटे हुए हैं वो वाइब्रेंट विलेज के तहत मिलेगा। इसका अधिक फायदा पंजाब को, जम्मू कश्मीर को भी मिलने वाला है। साथियों, आज जम्मू कश्मीर सबका साथ सबका विकास का भी एक उत्तम उदाहरण बनता जा रहा है। राज्य में अच्छे और आधुनिक अस्पताल हो, ट्रांसपोर्ट के नए साधन हो, उच्च शिक्षा के संस्थान हो, यहां के युवाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को लागू किया जा रहा है। विकास और विश्वास के बढ़ते माहौल में जम्मू कश्मीर में टूरिज्म फिर से फलने फूलने लगा है। मुझे बताया गया है कि अगले जून जुलाई तक यहां के सारे पर्यटन स्थल बुक हो चुके हैं, जगह मिलना मुश्किल हो गया है। पिछले कई वर्षों में जितने पर्यटक यहां पर नहीं आए
उतने कुछ ही महीनों में यहां आ रहे हैं। साथियों, आजादी का यह अमृतकाल भारत का स्वर्णिम काल होने वाला है। ये संकल्प सबका प्रयास से सिद्ध होने वाला है। इसमें लोकतंत्र की सबसे जमीनी इकाई ग्राम पंचायत की आप सभी साथियों की भूमिका बहुत अहम है। पंचायतों की इसी भूमिका को समझते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत हुई है। आने वाले एक साल में अगले वर्ष 15 अगस्त तक हमें हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने हैं। हर जिले में 75 अमृत सरोवर। हमें यह भी प्रयास करना है कि इन सरोवरों के आसपास नीम, पीपल, बरगद आदि के पौधे उस इलाके के शहीदों के नाम पर लगाएं। और कोशिश ये भी करनी है कि जब ये अमृत सरोवर का आरंभ करते हो, शिलान्यास करते हो, तो उस शिलान्यास भी किसी न किसी शहीद के परिवार के हाथों से, किसी स्वतंत्र सेनानी के परिवार के हाथों से कराए। और आजादी के लिए ये अमृत सरोवर के अभियान को हम एक गौरवपूर्ण पृष्ठ के रूप में जोड़े। भाइयों बहनों, बीते सालों में पंचायतों को अधिकार अधिक पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ई ग्राम स्वराज अभियान से पंचायत से जुड़ी प्लानिंग से लेकर पेमेंट तक की व्यवस्था को जोड़ा जा रहा है। गांव का सामान्य लाभार्थी अब अपने मोबाइल फोन पर यह जान सकता है कि पंचायत में कौन सा काम हो रहा है, उसका स्टेटस क्या है, कितना बजट खर्च हो पा रहा है। पंचायत को जो फंड मिल रहे हैं उनके ऑडिट की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। सिटीजन्स चार्टर कैंपेन के जरिए राज्यों और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जन्म प्रमाण पत्र, शादी के सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी से जुड़े अनेक विषयों को ग्राम पंचायत के स्तर पर ही हल कर सके। स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट आसान हो गई है, जिसका लाभ कई ग्राम पंचायतों को हो रहा है। कुछ दिन पहले ही पंचायतों में ट्रेनिंग के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से जुड़ी नई नीति को भी स्वीकृति दी गई है। इसी महीने 11 से 17 अप्रैल तक पंचायतों के नवनिर्माण के संकल्प के साथ आइकॉनिक वीक का आयोजन भी किया गया, ताकि गांव गांव तक मूलभूत सुविधाओं को पहचान का काम हो सके। सरकार का संकल्प ये है कि गांवों में हर व्यक्ति, हर परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे हर पहलू का विकास सुनिश्चित हो। सरकार की कोशिश यही है कि गांव के विकास से जुड़े हर प्रोजेक्ट को प्लान करने, उसके अमल में पंचायत की भूमिका ज्यादा हो। इससे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि में पंचायत अहम कड़ी बनकर उभरेगी। साथियों, पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने का लक्ष्य पंचायतों को सही मायने में सशक्तिकरण का सेंटर बनाने का है। पंचायतों की बढ़ती हुई शक्ति, पंचायतों को मिलने वाली राशि गांव के विकास को नई ऊर्जा दे
इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था में बहनों की भागीदारी को और बढ़ाने पर भी हमारी सरकार का बहुत जोर है। भारत की बहन बेटियां क्या कर सकती है, ये कोरोना काल की दुनिया भर में भारत के अनुभव ने विश्व को बहुत कुछ सिखाया है। आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कैसे ट्रैकिंग से लेकर टीकाकरण तक छोटे छोटे हर काम को करके कोरोना के खिलाफ की लड़ाई को मजबूती देने का काम हमारी बेटियों ने किया है, हमारी माताओं बहनों ने किया है। गांव के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ा नेटवर्क महिला शक्ति से ही अपनी ऊर्जा पा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह गांवों में आजीविका के, जन जागरण के नए आयाम गढ़ रहे हैं। पानी से जुड़ी व्यवस्थाएं हर घर जल अभियान में भी जो महिलाओं की भूमिका तय की गई है उसको हर पंचायत तेजी से व्यवस्थित करे, ये बहुत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि अभी तक 3 लाख पानी समितियां पूरे देश में बन चुकी हैं। इन समितियों में 50% महिलाएं होना अनिवार्य है। 25% तक समाज के कमजोर तबके के सदस्य हो ये भी सुनिश्चित होना जरूरी है। अब गांव में नल से जल तो पहुंच रहा है लेकिन साथ साथ इसकी शुद्धता, इसकी निरंतर सप्लाई, इसको सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को ट्रेन करने का काम भी पूरे देश में चल रहा है लेकिन मैं चाहूंगा कि उसमें तेजी जरूरी है। अभी तक 7 लाख से अधिक बहनों को, बेटियों को पूरे देश में ट्रेनिंग दी जा चुकी है लेकिन मुझे इस दायरे को भी बढ़ाना है, गति को भी बढ़ाना है। मेरा आज देश भर की पंचायतों से आग्रह है कि जहां अभी ये व्यवस्था नहीं हुई वहां इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। गुजरात में लंबे अरसे तक मैं मुख्यमंत्री रहा और मैंने अनुभव किया है कि जब मैंने गुजरात में पानी का काम महिलाओं के हाथ में दिया गांवों में पानी की व्यवस्था की चिंता महिलाओं ने इतनी बखूबी की क्योंकि पानी न होने का मतलब क्या होता है वो महिलाएं ज्यादा समझती है और बड़ी संवेदनशीलता के साथ जिम्मेदारी के साथ काम किया। और इसलिए मैं उस अनुभव के आधार पर कहता हूं मेरे देश की सारी पंचायतें पानी के इस काम में जितना ज्यादा महिलाओं को जोड़ेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं की ट्रेनिंग करेंगे, जितना ज्यादा महिलाओं पर भरोसा करेंगे, मैं कहता हूं पानी की समस्या का समाधान उतना ही जल्दी होगा। मेरे शब्दों पर विश्वास कीजिए, हमारी माताओं बहनों की शक्ति पे भरोसा कीजिए। गांव में हर स्तर पर बहनों बेटियों की भागीदारी को हमें बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहन देना है। भाई और बहनों, भारत की ग्राम पंचायतों के पास फंड्स और रेवेन्यू का एक लोकल मॉडल भी होना जरूरी है। पंचायतों के जो संसाधन हैं उनका कॉमर्शियल कैसे उपयोग किया जा सकता है इसके बारे में जरूर प्रयास होना चाहिए। अब जैसे कचरे से कंचन, गोवर्धन योजना या हम कहें प्राकृतिक खेती की योजना और इन सारी चीजों से धन की संभावनाएं बढ़ेगी, नए कोष बनाए जा सकते हैं।
बायोगैस, बायोसीएनजी, जैविक खाद, इसके लिए छोटे छोटे प्लांट भी लगे, इससे भी गांव की आय बढ़ सकती है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए कचरे का बेहतर मैनेजमेंट जरूरी है। मैं आज गांव के लोगों से, पंचायत के लोगों से आग्रह करूंगा कि दूसरे एनजीओ के साथ मिलकर के और संगठनों के साथ मिलकर के आपको रणनीति बनानी होगी, नए नए संसाधन विकसित करने होंगे। इतना ही नहीं, आज हमारे देश में ज्यादातर राज्यों में 50% बहने प्रतिनिधि हैं, कुछ राज्यों में 33% से भी ज्यादा है। मैं खास आग्रह करूंगा, घरों से जो कचरा निकलता है, गीला और सूखा, एक अलग घर में ही करने की आदत डाल दी जाए, उसको अलग करके करें, आप देखिए वो भी वो कचरा आपके हाथ सोने की तरह काम आना शुरू हो जाएगा। इस अभियान को गांव के स्तर पर मुझे चलाना है और मैं आज देश भर के पंचायत के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो मैं इसका भी आग्रह करूंगा। साथियों, पानी का सीधा संबंध हमारी खेती से है, खेती का संबंध हमारे पानी की क्वालिटी से भी है। जिस प्रकार से केमिकल हम खेतों में डाल रहे हैं और उससे हमारी धरती माता की शहद को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मिट्टी खराब हो रही है, और जब पानी, वर्षा का पानी भी नीचे उतरता है तो उस केमिकल लेकर के नीचे जाता है और वही पानी हम पीते हैं, हमारे पशु पीते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे पीते हैं, बीमारियों की जड़ें हम ही लगा रहे हैं। और इसलिए हमें अपनी धरती मां को केमिकल से मुक्त करना ही होगा, केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करना होगा और इसके लिए प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा गांव, हमारा किसान बढ़ेगा तो पूरी मानवता को लाभ होगा। ग्राम पंचायत के स्तर पर कैसे प्राकृतिक खेती को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके लिए भी सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भाई और बहनों, प्राकृतिक खेती का सबसे अधिक लाभ अगर किसी को होगा तो मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों को होने वाला है। इनकी आबादी देश में 80% से अधिक है, जब कम लागत में अधिक फायदा होगा तो छोटे किसानों के लिए बहुत प्रोत्साहन देगा। बीते सालों में केंद्र सरकार की नीतियों का सबसे अधिक लाभ हमारे इन छोटे किसानों को हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से हजारों करोड़ रुपए इसी छोटे किसान के काम आ रहे हैं। किसान रेल के माध्यम से छोटे किसान के फल सब्जियां भी पूरे देश के बड़े बाजारों पर कम कीमत में पहुंच पा रही है। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों के गठन से भी छोटे किसानों को बहुत ताकत मिल रही है। इस साल भारत ने विदेशों को रिकॉर्ड फल सब्जियां एक्सपोर्ट की है तो इसका बड़ा लाभ भी देश के छोटे छोटे किसानों को हो रहा है। साथियों, ग्राम पंचायतों को सबको साथ लेकर एक और काम भी करना होगा। कुपोषण से, एनीमिया से देश को बचाने का जो बीड़ा केंद्र सरकार ने उठाया है उसके प्रति जमीन पर लोगों को जागरूक भी करना है। अब सरकार की तरफ से जिन योजनाओं में भी चावल दिया जाता है उसको फोर्टिफाई किया जा रहा है, पोषण युक्त किया जा रहा है। ये फोर्टिफाइड चावल स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है, इसको लेकर जागरूकता फैलाना हम सभी का दायित्व है। आजादी के अमृत महोत्सव में हमारी बहन बेटियां बच्चों को कुपोषण से
एनीमिया से मुक्त करने का संकल्प हमें लेना है और जब तक इच्छित परिणाम मिलता नहीं है, सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, मानवता के इस काम को हमें छोड़ना नहीं है, लगे रहना है और कुपोषण को हमें हमारी धरती से विदाई देनी है। भारत का विकास वोकल फॉर लोकल के मंत्र में छिपा है। भारत के लोकतंत्र के विकास की ताकत भी लोकल गवर्नेंस ही है। आपके काम का दायरा भले ही लोकल है लेकिन इसका सामूहिक प्रभाव वैश्विक होने वाला है। लोकल की इस ताकत को हमें पहचानना है। आप अपनी पंचायत में जो भी काम करेंगे उससे देश की छवि और निखरे, देश के गांव और सशक्त हो, यही मेरी है आज पंचायत दिवस पर आप सबसे कामना है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर को विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश भर में लाखों की तादाद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहूंगा, पंचायत हो या पार्लियामेंट, कोई काम छोटा नहीं है। अगर पंचायत में बैठ करके मैं मेरे देश को आगे ले जाऊंगा, इस संकल्प से पंचायत को आगे बढ़ाएंगे तो देश को आगे बढ़ने में देर नहीं होगी। और मैं आज पंचायत स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों का उत्साह देख रहा हूं, उमंग देख रहा हूं, संकल्प देख रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी पंचायत राज व्यवस्था भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की एक सशक्त माध्यम बनेगा और उस शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी, माननीय श्री कपिल महेश्वर पाटिल जी, यहाँ के लोकल सांसद, लोकप्रिय सांसद जुगल किशोर शर्मा जी, भारत सरकार और जेके के समस्त अधिकारीगण, यहाँ पर मौजूद सभी पंचायत जनप्रतिनिधि, वर्चुअल के माध्यम से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई, जो दुनिया में इतने प्रतिनिधि, 2.5 लाख पंचायत और 31 लाख से भी ज्यादा जनप्रतिनिधि हैं, ये विश्व के जनतंत्र में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व किसी भी संगठन का नहीं है। मैं आज के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष पर मैं दो ही निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 32 लाख की यहां आबादी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज हमें हार्दिक अभिनंदन उनका करता हूं। मान्यवर, आज देश में कई दशक से गांधी जी के विचारों की चर्चा तो की गई नहीं, गांधी के नामों की चर्चा एक पार्टी ने की, लेकिन गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज का, वो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। लेकिन आपके दिशा निर्देशन में आज इतने सालों के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय चुनाव हुआ और चुनाव के कारण आज यहां इतने जनप्रतिनिधि यहां हाजिर आए हैं आपको सुनने के लिए। महोदय, मैं एक ही चीज कहूंगा, आने वाले दिन में आपके आने के पहले देश के अंदर में पंचायती राज में एक सिस्टम के नाम पर, जब आपने ई गवर्नेंस, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना लाने का काम किया, उसके तहत
लर्निंग जीपीडीपी अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग सभी को एक सिस्टम में लाया गया। महोदय आज एक पाई का जो खर्चा होता वो खर्चे एमआईएस पर ई गवर्नेंस जो आपका बुक है उसमें करते। आज देश का पहला पंचायत होगा जो ग्रीन एनर्जी के नाम से जाना जाएगा। देश का पहला पंचायत होगा जिसके stories that are there, stories where we become your voice, stories which matter to you, sense not sensationalism, news that truly impacts you. We are looking for facts, not opinion, no agenda. But a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you. Stories that are there, stories where we become your voice, stories which matter to you, sense not sensationalism, news that truly impacts you. We are looking for facts, not opinion, no agenda. But a simple policy of fair news. We don't debate or discuss problems, but solutions. Anything and everything that matters to you. Stories that are there, stories where we become your voice, stories which matter to you.